आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं लेकर आई हूँ एगलेस चॉकलेट कपकेक्स की रेसिपी। ये कपकेक्स बहुत ही मॉइस्ट, सॉफ्ट और डिलीशियस हैं। इन्हें आप 30 मिनट्स के अंदर बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। आज मैं आपको इन चॉकलेट कपकेक्स पर बहुत ही सुंदर सी कलरफुल आइसिंग करना भी सिखाऊंगी। इससे हमारे कपकेक्स और भी देखने में अट्रैक्टिव लगेंगे। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो पहले हम बटर मिल्क बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप गर्म दूध लिया है। इसमें एक टी स्पून विनेगर डाला है। इसे मिलाकर कर्डन होने के लिए रख देंगे। ये हमारा कर्डन हो चुका है। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। आप ऑयल की जगह बटर का भी यूज कर सकते हैं। इसमें 3/4 टीस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे। अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स होने पर इसमें 1/2 कप पाउडर शुगर डालेंगे और इसे भी बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अब यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है, जिसे मैं छान ले रही हूँ। इसमें 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल रही हूँ। यहाँ मैंने डार्क कोको पाउडर का यूज किया है। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है हमारे मैदे में, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए, हमारा मैदा और कोको पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे। एक बार हम हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालकर मिलाना स्टार्ट करेंगे। इसे हमें छोटे छोटे पोर्शन में ही डालते हुए मिक्स करते जाना है। यहाँ मैंने इसे 3 पोर्शन में डिवाइड करते हुए डाला है, इससे इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। इसे हमें कट एंड फोल्ड मेथड से मिलाते हुए मिक्स करते जाना है। इसमें हम अब 1/2 कप रूम टेम्परेचर मिल्क ऐड करेंगे। इससे हमारे कप केक के बैटर की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेनी है। थोड़ा थोड़ा करके हमें मिल्क ऐड करते जाना है। इसे हमें ओवर मिक्स नहीं करना है। हमारे कप केक के बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। यहाँ मैंने कप केक्स के मोल्ड को ग्रीस करके रेडी कर लिया है। अब हम इसमें कप केक का बैटर फिल करते जाएंगे। इसे हमें पूरा ऊपर तक नहीं भरना है। यहाँ मैंने 1 कप केक के लिए 2 टेबलस्पून बैटर लिया है। ये हमारे सारे कपकेक्स के मोल्ड फिल होकर रेडी हैं। तो यहाँ पर हम हमारे कपकेक्स को बेक करेंगे। आज मैं आपको इन्हें ओवन में बेक करना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने ओवन को 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। तो मैं यहाँ सारे कपकेक्स ओवन में रख लूँगी। इसे हमें 170 डिग्री पर 10 से 15 मिनट के लिए बेक कर लेना है। अगर आप इन्हें कढ़ाई में बनाना चाहते हैं तो आप कढ़ाई को 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लें और फिर इन कपकेक्स मोल्ड को रखकर 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर बेक कर लें। ये देखिए, हमारे कपकेक्स बेक हो चुके हैं। अब हम इन्हें ठंडा कर लेंगे। ये हमारे कपकेक्स ठंडे हो चुके हैं। इन्हें मैंने डीमोल्ड कर लिया है। अब मैं आपको इसे दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। आप देख सकते हैं कि इन्हें मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये फिर से राइज हो रहे हैं। आज मैं आपको एक अलग तरह की आइसिंग करना बताऊंगी। इसके लिए आप इस तरह की एक प्लास्टिक शीट ले लें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर येलो कलर की व्हिप क्रीम ली है। इसे मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है। अब मैं इसे प्लास्टिक शीट के ऊपर इस तरह से डाल लूंगी। इस तरह से मैंने ऑरेंज व्हिप क्रीम भी बना ली थी, इसे भी मैं उसी तरह से डाल दूंगी। ब्लू व्हिप क्रीम के साथ भी हम सेम प्रोसेस कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अपने पसंद के कलर्स का यूज़ किया है। आप अपने पसंद से कोई भी कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। इसे अब हम रोल करेंगे। आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। ये हमारा रोल रेडी हो चुका है। इसे हमें एक साइड से कट कर लेना है। इसे मैंने अब एक पाइपिंग बैग में डाल दिया है, जिसमें मैंने पहले से ही रोजेट की नोज़ल लगाई हुई है। तो ये हमारे कपकेक्स पर आइसिंग करने के लिए रेडी है। तो अब हम कपकेक्स की आइसिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आज आपको रोजेट बनाना बताने वाली हूँ। तो देखिए, आपको इसे अंदर की तरफ से स्टार्ट करते जाना है और बाहर की तरफ एंड करना है। आप इसे हल्के हाथों से ही बनाएं।
आपकी क्रीम एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए। ये आइसिंग करना बहुत ही इजी है, तो आप इसी तरह से सभी कपकेक्स पर आइसिंग कर लें। आप देख सकते हैं कि हमारे कपकेक्स कितने सुंदर और अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। टेस्ट में भी ये उतने ही डिलीशियस और सॉफ्ट हैं। बच्चे भी इसे देखकर बहुत ज़्यादा टेम्प्ट होंगे, तो आप इन्हें ज़रूर बनाएं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप मेरे आने वाले वीडियोज़ को मिस ना करें।